मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। प्रांत ऑफिसर सदगीर साहब से मेरी मुलाकात हुई और पार्टी के जनरल पठान साहब थे, मैदा राशिद अयूब साहब थे। स्लिप जो बीएलओ लोगों ने बांटना शुरू किया है शहर के अंदर, वो स्लिप एकदम पूरी तरीके से गलत है। पिछले इलेक्शन के अंदर जब जो स्लिप आई थी उसके ऊपर उनका फ़ोटो था, उसका घर नंबर था, उसका यादी का भाग क्रमांक था, ये सारी चीज़ साथ में थी। आपके उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर रहा है कि घर नंबर भी डाला नहीं है यादी के अंदर। हमने परांद साहब को बताया, उन्होंने चेक किया और उन्होंने ये माना कि एकदम गलत बात है ये, समझे क्या। ये परांद साहब से ये हुई, हम लोगों की मुलाकात हुई, मुलाकात के अंदर राशिद अय्यूब साहब ने भी सब उनको बताए और बताने के बाद जो है हम लोगों ने उनको सब ये किया। और उसके अंदर हमने एक और ये बात कही उनको कि भाई कुछ बीएलओ लोगों ने जिन्होंने वार्ड के वाइज अपना ये किया था, जो वोट बढ़ाए थे, जिन्होंने सर्वे किया था, वो सर्वे के अंदर कुछ बीएलओ रिटायर हो गए, कुछ नए है, जिनको कुछ वार्ड का घर नंबर कुछ नहीं समझ रहा, ठीक है, नहीं समझ रहा, कुछ हमारे कार्यकर्ता भी साथ में जाएंगे, वो स्लिप बांटने में मदद करेंगे। बहरहाल किनको कुछ एकदम ही नहीं समझ रहा होगा तो उनको इंटरनल चेंज करना, यानी किसको समझता होगा तो उससे बात करके उसकी यादी उसको दे देना और उसकी यादी करना, हमने ये बात भी उनके साथ में रखा है। सबसे बड़ा मुद्दा गवर्नमेंट कहती है 100% पोलिंग करो, ये तो ऐसे हालात है। इन्होंने बताया कि मालेगांव शहर का ही नहीं, और भी जगह को उन्होंने चेक किए, उसका नाम घर नंबर डाला नहीं गया वो, और उसके अंदर पेटी नंबर भी डाली नहीं गई है। कई कई स्लिप के ऊपर पेडी नंबर भी नहीं है। हमारे को कल कई लोगों ने शिकायत की है जहाँ पर स्लिप बटी है, हम वो स्लिप को लेकर अभी प्रांत साहब के पास पहुँचे और उन्होंने माना, उसको किस तरीके से सुधार किया जाएगा अभी वो अर्जेंट अपने लोगों की मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग बुलाकर उसको सुधारना करने आ गया। आप अपने सबसे ज़्यादा हो मालेगांव सेंट्रल में, तो क्या आपका नियोजन है आपकी पार्टी? हमारा खुद नियोजन रहेगा कि हम खुद स्लिप बांटेंगे और घर घर कार्यकर्ता जाकर स्लिप बांटना मेन है, और जिनके यहाँ स्लिप पहुँच गई समझ लेना वो ऑर्डर उसके ऊपर पहुँच जाएगा। हम लोग पूरी ताकत से हर कार्यकर्ता, तमाम लोग पार्टी के, हर पार्टी के महाविकास अघाड़ी के लोग यही चिंता के अंदर है कि भाई सबसे ज़्यादा पोलिंग हो। हाँ, जैसे 100% कुछ कुछ पोलिंग बहुत के ऊपर 100% इसके अंदर हुई नांदेड़ के अंदर, हम भी चाहेंगे कि मालेगांव शहर के अंदर भी आधे से ज़्यादा तौर के ऊपर 100% 80% 90% पोलिंग हुई, हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। तो क्या लग रहा है ये मुस्लिम एरिया में ही किया गया है ऐसा डर? ऐसा तो हमको लगता है, बहरहाल उन्होंने हमने यही बोले कि यार हमारे को तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के मुस्लिम एरिया के अंदर किया गया है। बहर उन्होंने दूसरी भी स्लिप लाई और दूसरी स्लिप में बताया कि आउटर की भी बताया कि उसके अंदर भी इस खामी है, हम ये खामी को अभी दूर करेंगे। एक साहब, सबको मालूम है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही रहेगा, लेकिन मालेगांव शहर से कुछ लोग पार्लियामेंट के लिए खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्म ला रहे हैं, इसको लेकर आप क्या बात करें? देखो असल में क्या है, चावल और गेहूँ तुम खरीद कर लाएंगे ना तो उसके अंदर कंकर रहता ही है, उसको अपनों को निकालना पड़ता, तो ये सब कंकर है, कोई बात नहीं है। देखो आवाम बहुत समझदार है, आवाम समझदारी इसके अंदर करने वाली है कि भाई इलेक्शन के अंदर किसको वोट दिए जाए, ये आवाम हर तरीके से पूरी तरीके से सज है। सिर्फ जिसके पास वोटिंग स्लिप पहुँचेंगी और वो जाकर कार्यकर्ता वो हर यानी यहाँ का जो लोग आए जाकर वोट देंगे, ये तो एक ये है, एक चाल रहती है खड़े करने की। मैंने 2-3 दिन से लोगों के बयान सुन रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर वगैरह का। देखो हमको किसको तनकीद नहीं करना है, हम अगर तनकीद करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, हमको समझाना है ऐसे लोगों को भी। और शहर की आवाम समझदार है, जो खड़े रह रहा उम्मीदवार उससे ज़्यादा आवाम समझदार है। आवाम ये चाहती है किसको वोट देना और किसको नहीं देना, ये आवाम समझती है। 18 दिन बचाए वोटिंग के, मालेगांव में महाविकास अघाड़ी के लोग और जो है अघाड़ी में साथ ऐसा कुछ काम करते हुए इलेक्शन में नज़र नहीं आ रही है। नज़र आना एक अलग बात है, लोगों के अंदर बेदारी है और मज़ीद बेदारी पैदा करने के लिए जो छाननी 4 तारीख को होने वाली है, 4 मई को छाननी हो जाएगी, उसके बाद हमारा निशान का नंबर आ जाएगा, हम शहर के अंदर जल से जुलूस शुरू कर देंगे। कल हमारे नेता बाला साहब थोरात का फ़ोन आया था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जलसा कहाँ लगाना है, तो हमने उनके जलसे के बारे में कहा कि उनका जलसा धुलिया में लगाया जाए। हमने मालेगांव के अंदर इमरान प्रताप गढ़ी साहब हो गए, तुम्हारे प्रियंका जी हो गए, प्रियंका जी की भी हमने मांग की है कि प्रियंका जी को भी मालेगांव लाया जाए। ऐसे 4-5 नाम हमने दिए, ले 4-5 जलसे लेने का रहेगा। हमको वोट की बेदारी घर घर जाके शुरू करना है, जलसे जुलूस लेके गर्दी बता के हमको इलेक्शन लड़ना नहीं है।
और हम ऐसा समझते हो कि सबसे अच्छा परसेंटेज आज तक जितने इलेक्शन हुए सबसे अच्छा परसेंटेज 6 इलेक्शन के अंदर आएगा, ये हमारी ये है इसमें।